इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ताइवान का दावा है कि उसे चारों तरफ से चीनी सेना के लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों ने घेर लिया है। ताइवान के मुताबिक उसने 17 चीनी लड़ाकू विमान और 5 युद्धपोतों को ट्रैक किया है। ताइवान के मुताबिक लड़ाकू विमानों में 4 सुखोई 30 फाइटर जेट्स और 3 शेनयांग जे 11 लड़ाकू विमान शामिल हैं। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट जो ताइवान से हमें मिल रहा है कि उसके मुताबिक उसे लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों ने घेर लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं ताइवान की राजधानी ताइपे में और ताइवान इस समय दुनिया में टकराव का नया केंद्र बन रहा है। टकराव चीन और अमेरिका के बीच में, क्योंकि वजह है ताइवान और ताइवान की आज़ादी, ताइवान का लोकतंत्र, जिसके ऊपर चीन की कोशिश है कि इसे अपने मेनलैंड में मिला लिया जाए। और ये वो सपना है जिसे चीन बरसों से, कई दशकों से पाले हुए है। और अब चीन का कहना है कि इस मामले के अंदर अगर ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ा तो वो पीछे नहीं हिचकेगा, और यही वजह बन रही है टकराव की, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि अपनी मनमर्जी से, ताकत के दम पे, बंदूक की नोक के ऊपर ताइवान की हदें नहीं बदली जा सकती हैं और इससे चीन को बचना चाहिए। वहीं चीन का यह कहना है कि इस पूरे मामले में ताइवान शह के ऊपर कूद रहा है और शह है अमेरिका की, और ताइवान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही टकराव का मोर्चा बना है। खासतौर पर नैन्सी पेलोसी, जो अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनकी यात्रा के बाद से यह टकराव और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। और वजह यह है कि ताइवान के इर्द गिर्द, जहाँ दूसरी तरफ चीन है, वहाँ पर ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, इन दोनों ही इलाकों के अंदर चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड लगातार सैन्य अभ्यास कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ, यानी चीन ताइवान के दूसरी तरफ फिलीपींस सागर के करीब, अमेरिका ने अपने एकमात्र युद्ध जो विमान वाहक पोत है, जो कि अग्रिम मोर्चे पर तैनात है, यूएसएस रोनाल्ड रीगन, उसको तैनात कर दिया है। साथ ही अमेरिका ने अपने सातवें बेड़े को भी एक्टिवेट कर दिया है। और ऐसे में फिलहाल ताइवान के अंदर सब कुछ सामान्य चलता हुआ नजर आ रहा है। आमतौर पर सड़कों के ऊपर आपको आवाजाही देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ताइवान के आसमान में जो बादल नजर आ रहे हैं, ये बादल केवल मानसूनी बादल नहीं है, बल्कि ये बादल जो हैं वो खतरे के बादल भी हैं, संकट के बादल भी हैं। और ये बादल मंडरा रहे हैं चीन के तेवरों के कारण, क्योंकि चीन लगातार इस चीज़ की धमकी दे रहा है कि वो ताइवान को इसका जो असर है उसे ताइवान को देखने को मिलेगा, ताइवान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही वजह बन रही है टकराव की। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ताइवान के अंदर ये तमाम चीज़ें डेवलप हो रही हैं बीते कई सालों से, क्योंकि ये पूरा मामला जो है ये 1949 से लेकर आज तक चला आ रहा है, ताइवान और चीन के बीच का ये पूरा विवाद चल रहा है। लेकिन ये विवाद अब बढ़ गया है, ख़ास तौर पर अमेरिका ने जब से ये साफ किया है कि वो अगर ज़रूरत पड़ी तो ताइवान की मदद के लिए फौजें भेजने से भी नहीं हिचकेगा। और ऐसे में जबकि चीन का कहना है कि ये उसका अंदरूनी मामला है, वो ताइवान पर दावा करता है, ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, तो और ऐसे में ताइवान के अंदर लोग इसी तरीके से सामान्य रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर एक खतरा ज़रूर मंडरा रहा है। और ख़तरा है युद्ध का खतरा, खतरा है लड़ाई का खतरा, और ख़ास तौर पर ताइवान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दुनिया के 60% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर ताइवान में बनते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।